ललितपुर जनपद के मड़ौरा ब्लॉक ग्राम पंचायत पारोल में प्रकाश नारायण शहर 150 परिवारों के पास राशन कार्ड ना होने से के कारण उन्हें नहीं मिल रहा है राशन। ये राशन कार्ड विहीन परिवार अपने गांव से 60 किलोमीटर की दूरी पर महरौनी सप्लाई इंस्पेक्टर से लगभग 25 बार से ज़्यादा मिलकर अपने राशन कार्ड बनवाने की गुहार लगा चुके हैं। हर बार उन्हें आश्वासन और निराशा ही मिला, ना ही राशन कार्ड मिला और ना राशन मिला। लगभग 250 लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं। अशिक्षित लोग बाग हैं, शहरिया हैं, हरिजन हैं, अनपढ़ हैं, इनसे फार्म भर देते हैं, ग्राम सेवक को दे दिए जाते हैं, लेकिन उसमें से कह दिए कि बन गए तुम आए और तो राशन कार्ड मिलते नहीं हैं। हम लोग अशिक्षित आदमी हैं। आज भाग से मीडिया वाले आए, उन लोगों ने हमारी शिकवा शिकायत सुनी। राशन कार्ड आप लोगों को क्यों ज़रूरी है? इसलिए बच्चे भूखे मरते हैं, हम लोग भूखे मरते हैं, काम नरेगा का है नहीं है, वो मिलता नहीं है, मैं मेहनत मजदूरी करने बाहर जाना पड़ता है। हमारे परिवार में सब 8 लोग हैं। राशन कार्ड बनवाने के लिए सर हम लोगों को बहुत प्रयास किया है, यहाँ से लेके फार्म ग्राम से ग्राम प्रधान की मोहर लगवा के महरौनी गए। 8 दिसंबर के से लेकर 19 दिसंबर को कागज़ उन लोगों ने जमा किए। जमा करने के बाद में कहते रहे कि आज बन जाएंगे आपके, कल बन जाएंगे, आज बन जाएंगे, कल बन जाएंगे। चुनाव आ गया था, चुनाव के बाद में उन्होंने कह दी चुनाव होने के बाद बनाए जाएंगे। चुनाव के बाद ब्यूरो अपना ट्रांसफ़र करा के चले गए। हम लोग गरीब जनता आज तक भड़क रही, ऐसी फिर रही है। तहसील 28 बेर हो चुके हैं। कितने लोग जाते थे आपके साथ? हमारे साथ कम से कम 10 लोग 12 लोग जाते थे। 28 बार? हाँ, 28 बार। एक लोग का यहाँ से कितना किराया लगता है? एक लोग का किराया है 70 रुपया एक तरफ का। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि आप लोग महरौनी के सप्लाई इंस्पेक्टर के मोबाइल नंबर 94-11-41-85-19 पर फोन करके दबाव बनाएं, जिससे इनकी समस्या दूर हो सके। मैं शंकरलाल, बुंदेलखंड क्षेत्र ललितपुर से, इंडिया अनहर्ड के लिए।